इसका आसान तरीन तरीका ये ट्रिक के थ्रू मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने की एक ऐसी मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, सेकंड्स में हो सकता है। अगर आपने ये सिर्फ छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल की तो आपके वो 5 से 10 सेकंड में आंसर आ गया। तो वेलकम जी, उम्मीद करता हूँ सब खेल रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं IBSTS की स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि इंटरमीडिएट कैटेगरीज की चल रही हैं। और सबसे पहले हम इसमें करेंगे 12th of June पे टेस्ट आई है, उसका मैथमेटिक्स सेक्शन, और हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चंस आपको ट्रिक्स के थ्रू समझाएं, ताकि 2 मिनट 3 मिनट में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस भी आप जल्दी सेकंड्स में सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, क्योंकि मैथ्स का जो सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 41 वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ PKR1 इज़ 50 पैसा। इसका सॉल्यूशन ऐसे है कि आपको पता है कि वन पी के आर में कितने 100 पैसा होते हैं, ठीक है, कितने पैसा होते हैं 100 पैसा। तो हमें कितने पैसा उसके लिए मालूम करना है जो क्वेश्चन में है, वो है 50 पैसा। तो अगर हम 100 को 50 में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, ठीक है। 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 पैसा हो जाएंगे। तो हमें बैलेंस करने के लिए, दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 50 पैसा। तो यहाँ वाला आंसर जो है ये आ गया आपका 1/2 PKR, ठीक है। तो 1/2 PKR बराबर है 50 पैसा के, ये ऑप्शन आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम 42 वाला सॉल्व करेंगे। 42 वाला जो क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ log 7 √7 इज। तो ये आ गया आपका log base 7 √7, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू मालूम करनी है। अब अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर है log 7 = x, ठीक है। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा जो आपने याद करना है, जो कि ना सिर्फ इस टेस्ट में बल्कि तमाम टेस्ट में आपको काम आएगा। वो फार्मूला ये है कि अगर कोई भी आपके पास एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो हम इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। कैसे? a/y = x। मतलब अगर हमें लॉग को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, पहले बेस लिखेंगे, जो भी बेस यहाँ पर दिया हुआ होगा वो लिखेंगे, फिर उसके साथ जो आंसर है उसका वो पावर में दे देंगे इज इक्वल टू दे के, और यहाँ पर जो हमें जिसकी वैल्यू मालूम करनी थी लॉग की वो इस साइड लिख देंगे। ये आपका हो गया सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर बेस है 7, तो 7 में यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, ठीक हो गया। अब उसके साथ हमने इस साइड वाला जो पोर्शन है वो वहाँ पर पावर दे देना है, तो इसलिए ये वाला जो हम x है यहाँ पर पावर दे देंगे, फिर देंगे इज इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू के बाद ये वाला जो x है, मतलब ये वैल्यू जो है वो हमें उस साइड लिखनी है। अब ये यहाँ पर वैल्यू कौन सी, √7। ये आ गई सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म आने के बाद आपने क्या करना है, जो इसकी स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये साइड सेम रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 7 को ब्रैकेट में, और स्क्वायर रूट जैसे ही ख़त्म होता है तो उसके ऊपर पावर आ जाता है 1/2, ठीक हो गया जी, इस नंबर के ऊपर पावर। अब यहाँ पर जो बेस है इक्वेशन के, इस साइड भी बेस 7 है, इस साइड भी बेस 7 है, तो साइड बेस 7 है किसी नंबर का तो वो हम कैंसिल कर सकते हैं, और जो उसका पावर है वो हम नीचे बेस के तौर पर लिख सकते हैं। ये देखें, ऐसे बेस सेम था, यहाँ पर भी 7 था, यहाँ पर भी 7, हमने बेसिस कैंसिल कर दिए, बाकी बचा यहाँ पर x और यहाँ पर 1/2। तो हमारी x की जो वैल्यू है वो आ गई 1/2, मतलब हमारा आंसर जो है वो है 1/2। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 1/2, तो इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। फर्स्ट वाले का करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 43 है द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्रीज एंड cot 45 डिग्रीज इज। अब tan 45 डिग्रीज प्लस cot 45 डिग्रीज की आपको वैल्यू मालूम करनी है, मतलब इस पूरी इक्वेशन की। ये
मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको ये चार वैल्यूज, अगर आपको इन चारों की याद हो गई तो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आपको याद होना चाहिए कि 1045 की वैल्यू क्या है। अब 1045 में सेम लिखता हूँ, अब ट्रिक के थ्रू मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू मालूम नहीं होती, तो हम क्या कर सकते हैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/10 45। ठीक हो गया जी, क्योंकि कॉट जो है वो 10 का इनवर्स होता है, तो इसलिए हम कॉट की जगह 1/10 45 लिख सकते हैं। अब 1045 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस, यहाँ पर भी 1/10 45 हो गया 1, 1/1 1 के बराबर होगा, तो 1+1 हो गया 2। आपको आंसर मिल गया एक इस इक्वेशन का 2, तो 43 का है ऑप्शन नंबर बी जो कि 2 है वो करेक्ट हो गया। ठीक हो गया जी, 44 नंबर देखते हैं कौन सा है। 44 नंबर जो है, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज, अब ये आपको चार नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। अच्छा जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने याद रखना है कोई भी फ्रैक्शन हो अपॉन में, मतलब कोई भी नंबर हो, अगर उसका ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है वैल्यू में, तो फिर हम उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर डी है वो है 5/4, तो 5 हो गया ग्रेटर नंबर, 4 हो गया लेसर नंबर, इसलिए हम बोलेंगे ये वाला जो फ्रैक्शन है ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन 44 के बाद अब हम क्वेश्चन 45 पे आते हैं। क्वेश्चन 45 है, द 5/2 कैन बी एक्सप्रेस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस एज, तो पहले तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ 5/2 है हमारा जो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन पहले आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। जो भी नंबर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ हो, ए होल बी अपॉन सी, मतलब कोई भी नंबर हो वो होल में हो, ठीक है, उसके साथ अपॉन में दो नंबर्स लिखे हुए हों, तो ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमें अगर 5/2 को कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड को आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो हम बाहर लिखते हैं, जो न्यूमरेटर वो अंदर, ठीक है। इसके साथ आपने क्या करना है, अब टेबल लगाना है, 2 2 4 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो हमें आंसर्स मिल गए, अब हमें अरेंज करने, अरेंज कैसे करने हैं, आपने सब सिंपली जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर वो सेम आएगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये वाला जो डिनोमिनेटर था ये वाला, ये हम डिनोमिनेटर में ही रखेंगे। उसके साथ जो आंसर है हमारा वो हम यहाँ पर रखेंगे होल में, और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हम रखेंगे ऊपर, तो हमारा आंसर आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शंस में, मतलब 2 होल 1/2 आपका आंसर है। नहीं, ये देखें, ऑप्शन नंबर बी है 2 होल 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, ठीक है, 2 होल 1/2 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो है, द वैल्यू ऑफ 21² - 19² इज इक्वल टू। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने की एक ऐसी मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ जो आप अगर यूज़ करेंगे तो आपका ये 2-3 मिनट वाला क्वेश्चन आराम से 5 सेकंड्स में हो सकता है। कैसे, अब बहुत से लोग क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, फिर 19 का स्क्वायर करेंगे, फिर जो आंसर आया उनको माइनस करके अपना आंसर देंगे। लेकिन ये अगर आपको आपके पास फार्मूलाज हैं बहुत सारे मैथ्स में जो यूज़ होते हैं, अगर आपको ये फार्मूला याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, अगर आप ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करें तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। कैसे, ये देखें, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में ये है, हमें क्या करना है, हमें a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मेट में लेके आना है। तो a हमारा जो है वो है समझे 21 और b हमारा जो है वो है 19, तो a प्लस बी पहले होगा 21 + 19 और फिर a माइनस बी होगा 21 - 19। ठीक हो गया जी, अब देखें 21 + 19 आसान बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये हो गया 40 और 21 - 19 हो गया 42 आ गया आंसर 80।
अब देखें, अगर आप इसको स्क्वायर करने बैठते या 19 को स्क्वायर करने बैठते और दोनों को फिर माइनस करते तो आपको 10 मिनट लग जाने थे। तो अगर आपने ये सिर्फ छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल की तो आपके वो 5 से 10 सेकंड में आंसर आ गया। तो आंसर है 80। देखते हैं 80 कौन सा ऑप्शन है। 46 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी जो है वो 80 है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है आपका, ये आ गया 46। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो क्या है। द वैल्यू ऑफ, ये देखें, द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 40 प्लस 30% ऑफ 60। इसको भी सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो थोड़े बहुत वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ऑफ वगैरह, ये आप ऐसे अगर जनरली देखें तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप मैथ्स में देखें तो इनकी बहुत चेंज हो जाती है ना मीनिंग। अगर अब मैथ्स में जब भी आपको ऑफ का वर्ड यूज़ आए तो हम ऑफ की जगह मल्टीप्लाई की साइन इस्तेमाल करते हैं। देखें कैसे, 25% इंटू 40 प्लस 30% इंटू 60, ये आ गया आपका मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, अब आपको ये परसेंटेज को ख़त्म करना है। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज काट के जो जिस नंबर के साथ परसेंटेज है उसके नीचे 100 दे देते हैं। 25/100 हो जाएगा, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 40 सेम आएगा, प्लस सेम आएगा, 30 के साथ भी परसेंटेज है तो उसके नीचे भी हम 100 दे देंगे और मल्टीप्लाई बाय 60 सेम। इसमें ऐसी कोई साइंस है ही नहीं, ठीक है, आपने प्लस सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है। कैसे, ये देखिए, 25 वन ज़ा 25 होता है, 25 फोर ज़ा होता है 100। तो यहाँ पे अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 4 4 1 ज़ा 4 और 4 10 ज़ा 40। यहाँ पे भी सेम तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपॉन वाले नंबर्स नहीं कट सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये एक ज़ीरो यहाँ से माइनस, एक यहाँ से माइनस, ठीक है, एक ज़ीरो यहाँ से माइनस, एक यहाँ से, ठीक है। छोटी सी बातें हैं, अगर ऊपर भी एक ज़ीरो है और नीचे भी एक ज़ीरो है, एंड में होना चाहिए। अगर ऊपर भी एंड में नंबर के ज़ीरो है और नीचे वाले नंबर में भी एंड में ज़ीरो है तो आप दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल कर दिया और यहाँ से एक, अच्छा ये मल्टीप्लाई है तभी हम ये कैंसिल कर रहे हैं, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तब हम कैंसिल नहीं कर सकते थे। मल्टीप्लाई अगर है तो फिर हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो नीचे बचा डिनोमिनेटर में 1, 1 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 10 आपने यहाँ से लिख दिया, प्लस दिया, फिर 3 6 ज़ा 18, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका 10 प्लस 18 28। तो देखते हैं 28 आपका ऑप्शन है या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 47, तो 47 में आपका ऑप्शन नंबर सी 28 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 47 के बाद हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 48 जो है आपका वो है द मिसिंग वैल्यू इन क्वेश्चन मार्क -1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज, मतलब ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन कौन सी है। अब इसमें आपने बताना है कि मिसिंग वैल्यू मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या चीज़ आएगी। सिंपल है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क यहीं पे रखना है, इज इक्वल टू भी यहीं पे रखना है, यहाँ वाला 1/4 भी सेम यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये -1/4 जो है इसको हम लेके जाएंगे इज इक्वल टू के इस साइड, ठीक है, ये इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का जो 1/4 है वो हो जाएगा प्लस का 1/4। हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम में जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो हम सेम लिख देते हैं, और न्यूमरेटर कैसे लिखते हैं, 1 प्लस और 1, न्यूमरेटर भी सेम लिखते हैं, सिर्फ बीच में प्लस दे देते हैं। तो 1 प्लस 1 हो गया 2 और अपॉन में आ गया आपका 4, तो 2/4 आ गया आपका जो मिसिंग नंबर था इस इक्वेशन में। देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 में 2/4 ये रहा आपका, ऑप्शन नंबर सी में है 2/4, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेम आपने क्या करना है, इसी तरीके से जो हमने यहाँ पे किया, आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, नीचे क्योंकि सब डिनोमिनेटर सेम है तो हम नीचे 4 ही लिख देंगे और ऊपर सब वंस को हम प्लस कर देंगे, जितने भी वंस हैं, ये एक वन, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 वंस आ गए, ठीक है। ये अब 1 2 3 4 ये हो गए 4/4 और हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, 4 वन ज़ा 4 4 वन ज़ा 4, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 1। अब देखते हैं कि आंसर 1 है या नहीं।
ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 49 जो है उसका ए ही वन ऑप्शन है, तो हम ए पे टिक कर देंगे। ए हमारा हो गया करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। ठीक, आखिरी अब क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50, फिर दूसरे जो 51 से 60 के तक क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में हम करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इज। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको आता है उसके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल होता है कि अगर एक नंबर का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर सेम है तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। ऐसे 2 2 कैंसिल हो गया, इसमें 3 और ये ऊपर वाला 3 कैंसिल हो गया, इसमें यहाँ वाला 4 और यहाँ वाला 4 कैंसिल। बाकी क्या बचा? ऊपर हमारे पास सिर्फ 1 बचा है, हम 1 लिख देंगे, और नीचे हमारे पास सिर्फ 5 बचा है तो हम 5 लिख देंगे, 1/5। अब 1/5 मैंने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में 1/5 नहीं है, आपका आंसर डेसिमल में है, तो आपने डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। सिंपली हम डिवाइड कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर बाहर रखेंगे, न्यूमरेटर हम अंदर रखेंगे। अब क्योंकि 5 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 पॉइंट देके और यहाँ पर एक 0 दे देंगे, ये हो गया 10। 5 के टेबल में 10 टू टाइम्स आता है, 5 2 10, ये हो गया माइनस, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, आपका आंसर जो है वो आ गया 0.2 डेसिमल में। तो ये कौन सा ऑप्शन है हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन जो बी है वो 0.2 है, तो वो हो गया आपका करेक्ट आंसर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी। अच्छा जी, ये अभी तक के लिए इतना ही, 50 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, इंशाल्लाह 51 से लेकर 60 क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उसके लिए कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक ज़्यादा कंफ्यूजन आ रही है सेम स्टूडेंट्स को तो फिर मैं वो इंशाल्लाह दोबारा आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा या ज़्यादा एलैबोरेटिव वे में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हम क्योंकि पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम मैं कोशिश करता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव और थोड़ा समराइज्ड समझाऊँ ताकि बंदे को समझ भी आ जाए और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इसलिए अभी तक जो क्वेश्चन किए उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, अगर नहीं आया तो कमेंट कर दें मुझे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में साथ हैं। अगर मेरा कॉन्टेंट आपको अच्छा लग रहा है या कोई भी हेल्प मिल रही है तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।